ये बड़ा सिंपल शास्त्र है, इसमें ए टू जेड अल्फाबेट वाले 26 कार्ड्स होते हैं। 26? आपको उन कार्ड्स को शफल करके उसमें से 3 कार्ड्स निकालने हैं। 3? 3 कार्ड्स। okay. और फिर उसमें से 3 वर्ड्स विद इन 5 सेकंड सोचने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना, पहला मेरा कार्ड था बी, तो मैंने सोचा बी फॉर बाथ, यानी जब मेरे हस्बैंड बाथ ले रहे हो तब मुझे अपनी डिमांड रखनी है। हाँ, उसके बाद मेरा सेकंड कार्ड था टी, तो मैंने सोचा टेरेस। एक मिनट, यानी कि तुम्हारे हस्बैंड टेरेस में बात लेते हैं? यू नो इट्स नॉट पॉसिबल, सो आई करेक्टेड माई सेल्फ विद इन 5 सेकेंड्स, और मैंने सोचा टी फॉर टब, यानी जब मेरे हस्बैंड टब में बात ले रहे हो तब। आगे सुन, और फिर मेरा तीसरा वर्ड था एस। एक मिनट, यानी कि एस पर शावर तुमने सोचा, यानी कि जब तुम्हारे हस्बैंड टब में शावर से बात ले रहे हो तब। नहीं, मैंने सोचा एस पर शैम्पू, यानी जब मेरे हस्बैंड टब में बात ले रहे हो और जब सिर पे शैम्पू लगा रहे हो तब मुझे जाकर अपनी डिमांड कहनी है, वो पूरी करनी पड़ेगी उन्हें। अब क्या कह रही हो तुम सुश? लिसन टू मी, मैंने फिर क्या कहा पता है? मैंने उन्हें कहा डार्लिंग आई वॉन्ट अ डायमंड नेकलेस, तो उन्होंने कहा वाई नॉट डार्लिंग, आखिर अपना प्रोविडेंट फंड कब काम आएगा। आई डोंट बिलीव दिस। वाई डोंट यू ट्राई फॉर योरसेल्फ? कम ऑन, ट्राई 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 करके तो देखो। okay. अब इसमें से ना तुम एक कार्ड सिलेक्ट करो, जस्ट सिलेक्ट एनी वन कार्ड, व्हाटएवर यू लाइक। वन कार्ड करूं? ओके, आई विल टेक दिस। क्या है? ए। ए फॉर? ए फॉर अलोन। अलोन, ओके। यानी जब तुम और सिद्धू अलोन हो तब तुम्हें अपनी डिमांड रखनी है। ओके ओके, दूसरा कार्ड, कम ऑन फास्ट। दूसरा अभी एक्सट्रीम लेफ्ट। ओके, जी। यानी जब सिद्धू के हाथ में ग्लास हो तब। ओके ओके, कम ऑन थर्ड कार्ड, फास्ट फास्ट फास्ट, कम ऑन मिडल। ओके, के। के फॉर? के फॉर, सोचो सोचो, कम ऑन, 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स। के फॉर, के फॉर, के फॉर, मुआ, किस। वाओ, हाउ रोमांटिक। यानी जब तुम और सिद्धू अलोन हो और जब सिद्धू के हाथ में ग्लास हो तब तुम्हें किस देते हुए अपनी डिमांड रखनी है। यस। हाँ, लेकिन किस देते हुए मैं डिमांड कैसे रख सकती हूँ भला? नाउ दैट्स योर प्रॉब्लम। मैंने बाथरूम में कैसे डिमांड रखी? हाँ, राइट। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये सारे काम 2 घंटे के अंदर हो जाने चाहिए, यानी 7:30 से लेके 9:30 के बीच, और इसके पहले या इसके बाद एरो शास्त्री कोई इफेक्ट नहीं है, समझी? ओह नो, यानी कि टाइम लिमिट भी है? इट्स नॉट पॉसिबल। ओह गॉड, यू स्टिल डोंट बिलीव मी? नो। Why don't you try it for yourself? अपने आप यकीन करने लगोगी। ओके ओके, हाँ, मैं कल शाम को ही ट्राई करती हूँ सुश। यानी कि ऑपरेशन एरो शास्त्र ठीक 7:30 से 9:30 के बीच, राइट? वेरी गुड। अच्छा ये तो बताओ क्या मांगोगी, नेकलेस? नहीं, मैं सिद्धू से दुबई के शॉपिंग फेस्टिवल में जाने की डिमांड करूंगी। कब से ना सिद्धू लटकाए जा रहे हैं। वाओ, फिर तो हम सब ये कहेंगे कि सिमी ने, आई मीन सिमरन ने अपने पति की सारी कमाई दुबई जाकर डुबाई। अरे अगर अभी भी हम दोनों साथ चले ना तो लोग यही कहेंगे, अरे देखो दो बहनें जा रही हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा आ रही हूँ आज शाम को, बता तो तेरे लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं, बस आप मत आना। क्या? नहीं, मेरा मतलब था कि मामा अगर आज आप नहीं आओगे तो। भाई मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है हांगकांग की रात को, फिर 3-4 घंटे एयरपोर्ट पे बोर होने से तो अच्छा है ना मैं तुझे मिल लूं आके। नहीं मामा, वो क्या है ना कि मेरा मतलब है कि आज मैं दुबई जाने का। दुबई? तू दुबई जा रही है शाम को? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि डूबे हुए पैसे, वो सिद्धू के डूबे हुए पैसे हम वसूल करने बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अगर तू यही चाहती है कि तेरी माँ 3-4 घंटे एयरपोर्ट पे बोर हो तो हो लूंगी बोर। प्लीज मामा, आज नहीं आना ना। ऐसा करना ना, हांगकांग से लौटते वक्त आप यहाँ रह सकती है हमारे साथ। ओके? नहीं नहीं ठीक है, मैं आते वक्त भी ऐसे ही एयरपोर्ट पे बोर होके वक्त काट लूंगी। हाँ मामा। क्या हुआ स्वीटा, तुमने मना क्यों कर दिया? अरे बहुत दिनों से तुम्हारी मम्मी के दर्शन नहीं हुए, आने दे दिनों। समझो ना स्वीट हार्ट, औरतें ऐसा नॉर्मली कब कहती हैं? जब वो एब्नॉर्मल हो। सिद्धू, मतलब कि मेरा मतलब था कि कितने दिन हो गए ना हम दोनों साथ साथ अकेले नहीं रहे, अलोन। कमाल डाली,
मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों हमेशा साथ साथ अकेले ही रहते हैं। नहीं स्वीटहार्ट, मेरा मतलब था कि उस तरह से। किस तरह से? किस तरह से? किस तरह से? तुम शाम को ना जल्दी आ जाना। नहीं नहीं डालें, शाम को क्या, अगर तुम्हारा इस तरह अकेले रहने का मूड है तो फिर तो मैं जाता ही नहीं। नहीं नहीं सिद्धू, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि शाम को ही वो काम करेगा तो इसीलिए। क्या काम करेगा शाम को डालें? वो शाम को क्या है ना सिद्धू, कि शाम को रोमांटिक माहौल होगा, वाइन के ग्लासेस होंगे, सिर्फ मैं सिर्फ तुम अलोन होंगे। वो क्या है ना सिद्धू, मूड भी तो बनाना होता है ना, तो ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ स्वीटहार्ट, मैं शाम को ना थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना बाबा, 7:30 बजे तक आ जाना बस। 7:30? हाँ, मूड प्रिपेयर करना है। 7:30 बजे। ओके बाय बाय बाय। इनकी के गरम गरम आहे भरेंगे। यू रात बाकी बात बाकी होना है जो। हाँ, 7:45 यानी कि 15 मिनट ऑलरेडी लेट। अगर सिद्धू 9:30 बजे तक नहीं आए तो क्या होगा? नहीं नहीं, हे एरो भगवान जी प्लीज मेरे पिया को ले आई। वाओ इट वर्क्स, मेरे पिया घर आए। ओ राम जी मेरे पिया घर आए। ओ एरो जी मेरे पिया घर आए। ओ एरो जी मेरे पिया घर आए। ओ एरो जी। प्यार से खाओ पिज्जा पिज्जा पिज्जा, ये हमारा स्लोगन है। क्या बोला? 1 मिनट में ऑर्डर, 2 मिनट में डिलीवरी और 3 मिनट में वसूली, पैसे प्लीज। और मेरा भी एक स्लोगन है, 1 मिनट में जो ऑर्डर ना दिया जाए 2 मिनट में उसकी डिलीवरी नहीं लेते और 3 मिनट में यहाँ से फूट लेते हैं, समझे? वहाँ पर लिफ्ट जाओ यहाँ से। फ्लैट नंबर 12 6 फ्लोर है ना? फ्लैट नंबर 12 तो यही है लेकिन ये 6 फ्लोर नहीं 5 फ्लोर है। तो पहले क्यों नहीं पता? खामखा मेरा स्लोगन खराब कर दिया। पता नहीं कैसे कैसे कस्टमर मिल जाते हैं और पता नहीं कैसे कैसे डिलीवरी बॉय चले आते हैं। चलो यहाँ से। जाता हूँ। हाँ जाओ। जिसका ऑर्डर नहीं दिया था वो पिज्जा तो आ गया लेकिन जिसका ऑर्डर दिया था वो पिया अभी तक नहीं आया। तुमने पुकारा और हम चले आए, गिफ्ट हथेली पर ले आए रे। थैंक यू। पता है सिद्धू, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अरे स्वीटहार्ट बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो, उसके बाद मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सिद्धू एक्चुअली क्या है ना, टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है? मेरा मतलब था कि मैं कितने टाइम से तुम्हारा इस कमरे में इंतजार कर रही हूँ ना सिद्धू, तो तुम बाद में फ्रेश अप हो जाना। ओके मैडम के इरादे कुछ नेक नहीं लगते हैं। फूल भी है, खुशबू भी है और ये समा। और वाइन भी है जी फॉर ग्लास में। ओके सिद्धू अब तो हम दोनों ए फॉर अलोन भी है और अगर के फॉर, के फॉर क्या? के फॉर वो हो जाए तो, हो जाए तो। Oh my God! Chief of glass टूट गया। अब क्या होगा? Help me, Sush! Sush? मेरा मतलब help me, सिद्धू। Darling, मैं help ही तो कर रहा हूँ ना तुझे। और नहीं सिद्धू, मेरा मतलब था कि glass के टुकड़े उठाने में मेरी मदद कर। Darling, बोला हम बाद में उठा लेंगे। Please ना। नहीं सिद्धू, अब इसका कोई असर नहीं होगा। क्योंकि Chief of glass टूट गया है ना। कोई बात नहीं, Darling, लेकिन help for lips तो है ना। सिद्धू, please. प्लीज सिद्धू, यू नो अब मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। अगर ये कांच के टुकड़े मेरी नजरों के सामने से नहीं हटे ना तो, और अगर हट गए ना तो हो सकता है कि मेरा मूड फिर से वापस आ जाए। सिद्धू जाओ ना, जाके झाड़ू लेके आओ। झाड़ू? हाँ ओके झाड़ू। थैंक यू। हेलो। हेलो सुश, मैं सिमरन बोल रही हूँ। गलत वक्त पे क्यों फोन कर दिया? थोड़ी देर के बाद फोन कर लेती। पता है क्या हुआ, हम दोनों ए फॉर अलोन भी थे और हम लोग के फॉर किस भी करने जा रहे थे लेकिन वह जी फॉर ग्लास टूट गया। अब देखो 5 सेकंड में तुम्हें जी से कोई और वर्ड ढूंढना पड़ेगा। ओके एक जी जी दो जी फॉर तीन जी फॉर जी चार जी जी फॉर गन। वेरी गुड वेरी गुड। यस अब ध्यान रहे किस करते वक्त सिद्धू के हाथ में गन होनी चाहिए।
तभी होगी तुम्हारी डिमांड पूरी, ओके? थैंक्स सोश। लो डाले, ये लो। तुम्हारे पास जीफो गन है। ये वाइन की आधी बॉटल तुमने तो खत्म नहीं की। क्या बात कर रहे हो तुम? और क्या, या फिर जेम्स बॉन्ड की कोई फिल्म देखी होगी तुमने? हाँ, अरे वाह, जेम्स बॉन्ड सिद्धू, कितना अच्छा लगता है ना। सोचो, जेम्स बॉन्ड के हाथ में गन हो और चारों तरफ उसकी लड़कियां खड़ी हों और रोमांस कर रही हों। हाँ, मेरे हाथ में गन हो और मेरे चारों तरफ लड़कियां रोमांस कर रही हों। क्या? लड़कियां नहीं, मतलब लड़की यार। अरे यार तुम, लेकिन बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम इज कि गन कहाँ से आएगी अब? गन कहाँ से आएगी? अरे हाँ, याद आ गया सिद्धू। सिद्धू याद है तुम्हें, जब हम दोनों हनीमून के लिए गए थे काठमांडू, तो हमने वो टॉय गन खरीदी थी। अरे यार वो अभी कहाँ पड़ी होगी पता नहीं ना। तो ढूंढते हैं ना। ढूंढते हैं? हाँ प्लीज। डार्लिंग अब ऐसे मूड में तुम मुझे गन ढूंढने के लिए कह रहे हो? नहीं सिद्धू, प्लीज फॉर माय सेक। ओके सिद्धू, रुको ना प्लीज। क्या 40+? 40+ की टैबलेट्स खाते हो, लेकिन अभी तुम सिर्फ 30- हो। अरे यार ये मेरी नहीं है, तुम्हारे पापा की है, पिछली बार भूल गए थे। याद आ गन कहाँ पर है? कहाँ है? तुम्हारे पापा की पैंट की पॉकेट में। क्या? यस, मैंने पिछली बार उन्हें देखने के लिए दी थी, तो उन्होंने थैंक्स फॉर द गिफ्ट कहकर अपनी जेब में डाल ली। पापा की ना ये आदत मुझे अच्छी नहीं लगती है। अरे लेकिन अब क्या करें? अब क्या, अब सिद्धू अब तुम ना लो। व्हाट? हाँ तो तुम जाओ, जाके फ्रेश हो, तब तक मैं फोन करती हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं अपना मूड चेंज करती हूँ ना सिद्धू। ओके ठीक है स्वीटहार्ट, तुम और तुम्हारा ये मूड, मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ सिद्धू, और जल्दी आना, सिर्फ पौने घंटे बाकी है। पौना घंटा बाकी है? क्यों? पौने घंटे बाकी है क्योंकि 9:30 बजे तो पानी चला जाता है ना। ओह यस यस डार्लिंग, मैं अभी फ्रेश होके आ रहा हूँ। हैव अ गुड बाथ, बाय बाय। उफ सोश, ओह माय गॉड। हेलो सोश। हाँ मैं सिमरन बोल रही हूँ। काम हो गया ना? कब जा रही हो दुबई? दुबई कहाँ, वो जीवो गन ही नहीं मिली। 5 सेकंड में कोई तीसरा वर्ड ढूंढो। जी सर गुलाब, यस। अब इस टाइम काम हो गया तो हो गया, वरना जिंदगी भर दुबई नहीं जा पाओगी। एरो शास्त्र का रिवर्स इफेक्ट है। ओके अच्छा ओके, एनीवे बाय आशीष, बाय। हाय आंटी। सैटेलाइट, यस सैटेलाइट। अब सैटेलाइट तुम ना मेरे लिए जीवो गुलाब लेके आओ। गुलाब की क्या जरूरत है आपको? वो क्या है ना सैटेलाइट, ए फॉर अलोन भी थे और के फॉर हम, के फॉर कुछ नहीं। के फॉर कुछ नहीं, तुम बस सवाल मत करो, जाके गुलाब लेकर आओ। सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, अब क्या होगा? डार्लिंग मेरा माउथ फ्रेशनर कहाँ है? अब मिल गया, मिल गया, मिल गया। हे भगवान, सिद्धू भी रेडी है, अब क्या करूं, अब क्या करूं मैं? सैटेलाइट कहाँ है? गुलाब, यही तो है गुलाब, अपनी बाजू वाली बिल्डिंग का वॉचमैन। किस गुलाब के बच्चे को यहाँ लेके आए हो? मैंने तो मैडम, हम गुलाब का बचवा नहीं हूँ ना, हम तो खुदे गुलाब हूँ। अभी तक हमारा गौना नहीं हुआ है ना, है तो बचवा कहाँ से होगा? सैटेलाइट मैंने तुम्हें गुलाब का फूल लाने को कहा था। आंटी ये भी फूल है, पूरा दिन अपनी घड़ी की सुइया घुमाते घुमाते टाइम पास करता है। सैटेलाइट मैं सूंघने वाले गुलाब के फूल की बात कर रही हूँ, और तुम इसे सूंघेंगे? हाँ देखिए गुलाब सिंह जी, मेरा मतलब है कि गुलाब सिंह जी, थैंक यू वेरी मच, आप प्लीज जा सकते हैं, हमने खामखा आपको तकलीफ दी। भले ही आपने दी पर हमने तो नहीं ली ना, हिसाब किताब बराबर। अच्छा चलता हूँ। एक मिनट, आपके पास गन है? वॉचमैन हूँ तो डर तो होगी ना। अरे जीवा गन, आप देखिए गुलाब सिंह जी प्लीज हमें दे दीजिए। लीजिए, पर क्या है कि चलती नहीं है, बिगड़ गई है। तो भाई क्यों रखी है? चोर को थोड़ी ना पता कि नहीं चलती है। नहीं हम बोल रहे हैं कि चालू हो सकती है। कैसे? वो कहा है ना कि हमारे जो पति हैं वो मिलिट्री में ऑफिसर हैं, तो वो इसको ठीक करवा देंगे। अच्छा लीजिए, पर मिलेगी कब? 9:30 बजे। इतनी जल्दी? फिर तो आपके पति मिलिट्री में बहुत बड़े अफसर होंगे। बहुत बड़े अफसर हैं। आंटी क्यों फूल को फूल बना रही है? मैं गुलाब का फूल नहीं है ना इसलिए। अच्छा अच्छा ओके, थैंक यू टीफो, थैंक यू अगेन सर, बाय वेलकम, बाय बाय बाय। Let music be the food of love. So play on. Pew. Simran. Oh my God. Simran. Sidhu aa gaya. Hi Sidhu. Yes darling. Mera pyara pyara fresh Sidhu aa gaya. I'm absolutely ready now. Let's start now. I'm also ready, Ali. Ah,
सिद्धू देखो ना कितना प्यारा म्यूजिक चल रहा है। यस सिर्फ मैं हूँ, यस और सिद्धू गन है। गन? हाँ। ये गन यहाँ क्या कर रही है? कहाँ से आई गन? ओफो सिद्धू गन जहाँ से भी आई हो, but I want you to hold this सिद्धू। हाँ सिद्धू अब हम थोड़ा रोमांस करेंगे। डार्लिंग लेकिन मैं प्यार करेंगे। ओहो डार्लिंग लेकिन मैं इसको पकड़ के कैसे रोमांस करूंगा मैं? सिद्धू देखो तुम इसे यहाँ टांग लो बिल्कुल रोशन की तरह। यस सिद्धू, यस देखो ना हम दोनों ए फॉर अलोन है, हमारे पास जी फॉर गन है। हाँ गन है। और अगर के फॉर, के फॉर क्या? अरे ऐसे नाजुक वक्त में कौन आ गया? मैं गोली मारता हूँ, खोलो तुम। यस खोलती हूँ मैं दरवाजा। यहाँ मगर कैसे? लेकिन ये सब क्या है? वो मम्मा लेकिन आपकी तो कनेक्टिंग फ्लाइट थी ना। अरे मैं कनेक्शन करा लूंगी, लेकिन तुम लोग तो बाहर जाने वाले थे। ओ हाँ मतलब हम दोनों बाहर ही जा रहे हैं। देखिए ना बाहर बाहर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वो क्या है ना सिद्धू तुम्हारे डूबे हुए पैसे लेने जा रहे हैं हम बाहर। कौन से डूबे हुए पैसे यार? कमाल है तुम्हारे पैसे शैसे लेने जा रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं है। नहीं मम्मा सिद्धू को पता है, वो एक्चुअली क्या है ना बहुत ही भोले बन रहे हैं और मजाक भी कर रहे हैं। देखिए ना कभी तो हाथ में एक गन ले रखी है। मैं मर गई रब्बा। हाँ मम्मा बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, हमें गन के जोर पर ही पैसे वसूल करने पड़ेंगे। लेकिन सिमरन बेटा ये बात ठीक नहीं है। यही तो मैं तब से सिद्धू को बता रही हूँ, लेकिन सिद्धू है ना मम्मा समझते ही नहीं। अरे यार मैं क्या नहीं समझता हूँ, क्या तुम मुझे समझा रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बार फिर से समझा देती हूँ सिद्धू। मम्मा जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। हाँ सिद्धू तुम भी क्यों नहीं समझते हो? अरे समझाना क्या चाह रही हूँ तुम्हारे सिद्धू। सिद्धू क्या? पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। सिद्धू अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये सब कुछ ना एरो कार्ड्स का चक्कर है। ये एरो कार्ड्स क्या है? अब वो डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन सिद्धू अगर मैंने तुम्हें इमीडिएटली किस नहीं किया ना तो मैं जिंदगी भर दुबई नहीं जा पाऊंगी। आओ ना सिद्धू। अरे क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि 9:30 बज चुके हैं। नहीं डालिंग ये काम कभी भी कर सकते हो। सिद्धू कभी भी तो हो सकता है, लेकिन एरो कार्ड्स का असर सिर्फ 7:30 और 9:30 बजे के बीच में ही होता है। अरे यार ये एरो कार्ड्स का चक्कर क्या है अब? एरो कार्ड्स? ओ सिमरन तुम भी? स्वीटहार्ट तुम्हें दुबई जाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। नहीं सिद्धू अब मैं जिंदगी भर दुबई नहीं जा सकती। स्वीटहार्ट तुम दुबई जा सकती हो और उसके लिए ना तुम्हें जी फॉर गन की जरूरत है और ना ए फॉर अलोन रहने की जरूरत है। फिर जिसके लिए इतना तड़पा है ना बस वो केफ और किस दे दो तो मैं तुम्हें दुबई ले जाऊंगा। ओके सिमरन। ओह माय गॉड सिमरन तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम कभी दुबई नहीं जा सकती हो। अगर मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया लेकिन ये एरो कार्ड्स देख के तो मैं खुद डिस्टर्ब हो गई हूँ। क्या यानी कि आप एरो कार्ड्स के बारे में जानती हैं? जानती हूँ। अरे उसी की वजह से तो अभी मैं यहाँ हूँ। आज सुबह एरो कार्ड्स देख के सोचे हुए वर्ड के मुताबिक जब तुम्हारे डैडी M फॉर मॉर्निंग में W फॉर वॉश बेसिन के पास G फॉर गार्गलिंग कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा डार्लिंग मैं हांगकांग शांगकांग जाना चाहती हूँ शॉपिंग वॉपिंग के लिए पैसे दे दो। फिर वो माउथ वॉश निकल गए। फिर उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है डार्लिंग सेफ में पड़े हुए पैसे किस दिन काम आएंगे। यानी कि एरो कार्ड्स का असर होता है मम्मा? अगर होता तो मैं हांगकांग में बैठी होती यहाँ ना होती, एयरपोर्ट में मेरे सारे पैसे और पासपोर्ट चोरी ना हो गए होते। हाँ और नहीं तो क्या भाई, ये एरो कार्ड्स के असर में पहले तो हस्बैंड सब बात तो मान लेते हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है मुझसे मत पूछो। लेकिन मम्मा उसके पहले और उसके बाद क्या होता है उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है क्योंकि मेरा सिद्धू बिना ए फॉर एरो कार्ड्स के मुझे डी फॉर दुबई ले जा रहा है। मुझे भी। लेकिन के फॉर किस के बिना नहीं? मैं देखती हूँ। ओह गॉड पहली बार ये घंटी सही वक्त पर बजी है। जल्दी से दुबई जाने का प्रोग्राम बनाएं। सिमरन बेटा गुलाब सिंह आया है। अरे गुलाब सिंह की तो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.